ये देखो भाई पिस्टन यहाँ कितना गंदा रखा भाई। ये क्लच प्लेट वाली साइड खुल गई है देखो पूरी, और यहाँ पर बदली जाएंगी क्लच प्लेटें। ये देखो भाई काम करा दिया इसका, देखो पूरे वाल, ये देखो इसका देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है मेरी बाइक की ऐसी की तैसी हो गई बहुत ज्यादा काम करके, तो अब हम इसको मैकेनिक पर ले जाकर जैसी की वैसी कराने जा रहे हैं भाई साहब। और क्या क्या खर्चा आएगा सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा भाई, क्या क्या डलाया मैंने बाइक में, क्या क्या चीज बदली है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और आपके पास भी बाइक है तो आपको कैसे मेंटेनेंस रखना है और क्या क्या चीजें है सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं फटाफट, देखते हैं क्या क्या आज हमारी बाइक में खर्चा होने वाला है। मोटा खर्चा होगा भाई आज तो। देखो अभी ना मैं इसलिए ना मैंने बाइक पे कपड़ा वपड़ा भी नहीं मारा, मैंने कहा यार कि जब मैं काम कराने जा रहा हूँ बहुत सारा काम होगा। ये देखो, ये देखो, ये फट गई है सीढ़ी, ये भी डलानी है भाई, बहुत सारी चीजें हैं इधर देखो पूरी। मैं चल, मैंने कहा ऐसे ही चलते हैं, इसको पहले कराते काम इसमें, उसके बाद में देखेंगे। अभी देखो पूरा, इसके बाद में मैं लेमिनेशन भी कराऊंगा, वो भी बनाऊंगा एक वीडियो। फिलहाल अभी चलते हैं इसको फटाफट, जो भी इसमें काम होगा वो कराने। यहाँ से देखो भाई लीक वीक सब हो रही है। अभी जो इसकी हालत आप देखोगे तो हालत है इसकी है। आज नहीं निकल रहा तुम्हारा इसमें से, जो भी है चलो चलते हैं इसको फटाफट लेकर। यहाँ भी देखो भाई पूरा मीटर रीटर सब बिगड़ा पड़ा है। ये देखो पहले भी इसी ने खोला था, अभी फिर से ये खोला, इंजन खोलना शुरू हो गया, हाफ इंजन बोला है। बाकी देखते हैं क्या क्या काम कराना है, बैटरी चेंज करानी है, अगले पिछले ब्रक्सू भाई सब बहुत सारा काम होने वाला है आज बाइक के अंदर। और बाकी का काम ये जो नंबर प्लेट वगैरह देख रहे हो कल होगी। एक खुश देख इतना कितना खुश हो रहा है ये भाई, खुलना शुरू हो गया यहाँ से पूरा, एक तरीके से पूरा काम होगा इधर। ये देखो हाफ इंजन का, खुश कितना हो रहा है भाई, शुरू मॉर्निंग में बढ़िया कस्टमर मिल गया है। बोलो जुबा केसरी, ये देखो इधर, ये सब ऐसी है कमला पसंद है, जुबा केसरी पान वाले बंदे सारे। ये देखो भाई पिस्टन कितना गंदा रखा, और इधर इन वाल की ऐसी की तैसी हर बार हो जाती है, देख रहे हो, इससे ना बार बार प्लग खराब होता है। पहले भी यार ये ऐसी हो गया था, वाल भी डलेंगे, शॉप डलेगा भाई, शॉप डलेगा। देखो ये खराब था, बड़े खुल गया सब, ये समझ नहीं आता ये क्यों होता है काला काला धुआं, वही जलता वही ऑयल जलता है भाई। ये क्लच प्लेट वाली साइड खुल गई है देखो पूरी, और यहाँ पर बदली जाएंगी क्लच प्लेटें भाई साहब। पिकअप बहुत कम आ रहा था, मतलब कि अब अगर राइड पे चलाएंगे ओवर वगैरह में तो भाई क्लच प्लेट डलानी बहुत ज़रूरी थी, नहीं तो अगर खाली उसमें चलाता तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाती। बट यार चलने वाला काम मेरे को पसंद नहीं, कि मतलब कि खींचने वाला, तेरे प्रॉपर काम हो गाड़ी एकदम मक्खन माफिक चलनी चाहिए भाई, तभी काम करने में मज़ा आता है। ये नहीं कि चलो खींच रहे हैं थोड़ा बात करा लेंगे, बात करा के फिर मोटा खर्चा है उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे खर्चा तो मोटा ही रहा है भाई, पर फिर भी टाइम टू टाइम चीज़ें करानी चाहिए। अभी देखो इधर का पूरा पोजिशन खुल गया है, इधर फैला पड़ा है सारा आइटम। तो भाई अभी ये सामान लाया हूँ थोड़ा सा, ये सीट कवर लेकर आया हूँ फट गई थी, क्लच प्लेट लेकर आया हूँ ये, और अब की बार ना ये ब्रक्सू बड़े ब्रक्सू कोई करके बोला कि स्प्लेंडर के ना BS6 के अलग आते हैं कुछ, तो ये वाले ब्रक्सू हैं ये लेकर आया हूँ मैं अब की बार। ये देखो, देख रहो ये ब्रक्सू लेकर आया, इस पर 290 रुपये की MRP है और 250 रुपये के मिले हैं, 500 रुपये का जोड़ा मिला है ये वाला। और ये देखो बैटरी पे एमरॉन की बैटरी अगर लोगे आप, इस पर MRP कितनी लिखी हुई 1325 रुपये पर, ये मेरे को मिली 850 रुपये की, क्योंकि मैं रेगुलर सामान लेता हूँ तो सब कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट में मिलता है। ये सीट कवर 160 रुपये का लिया, वैसे MRP तो इसका पता नहीं कहाँ, कुछ नहीं लिखा, ये 270 लिखा हुआ है, पर ये मेरे को मिली है 160 रुपये की। सारा सामान ऐसे मिलता है डिस्काउंट में बिल्कुल। और ये क्लच प्लेट 350 की है और लिखा इस पर 392 रुपये।
भाई क्लच प्लेट डाल दी है नई वाली, और इधर बैटरी भी डाल दी है नई, और ये पैक हो रही है। अब देखो ये पूरी डल गई, देखो नई एकदम, देख रहे हो ये पैक हो रही है, बैटरी नहीं डल गई, ओके हो गई है बैटरी एकदम फर्स्ट क्लास। और अब ये क्लच प्लेट पैक हो रही है, इसको पैक करने के बाद में फिर भाई सभी ब्रेक्स व्रेक्स डलवाने हैं, अगले पिछले सीट कवर लगवाना है, पूरा फटा पड़ा है इधर देखोगे, पूरा फटा पड़ा है भाई। नंबर प्लेट के लिए ना ये फ्रेम लेकर आया, पता कितने रुपए के, 30 रुपए के हैं, और बाहर तुम किसी से लगवाओगे ना पता नहीं कितने रुपए का देगा, कोई 60-80। ये देखो इस तरीके से लगवा दूंगा इसे, अभी ये फिलहाल तो ये टूटी हुई है, दूसरी नंबर प्लेट लगाऊंगा ना, ये फ्रेम देखो भाई, ये पिछली का है, 30 रुपए के ये दोनों पेयर भाई। क्लच वाली साइड हो गई है पैक पूरी, इसका क्लच का काम तो बिल्कुल कर दिया है, काफ़ी टाइम लग रहा है भाई यहाँ पर। ये देखो दूसरी बाइक आती है, दूसरे को पकड़ के बैठ जाता है, मेरी गोली बड़ी है, कभी जिसकी बाइक आ जाती है ना छुट मुट का काम होता है वो पहले करने लग जाता है कि किसी को भी जाने मत दो, जिसकी खुली पड़ी वो तो मजबूरी में रहेगा साला, रात तक रहेगा क्या है? वो तो पता जा ही नहीं सकता, उसका तो पूरा खुला पड़ा है, छुटपुट करो आता है कि 20 रुपये का 30 रुपये का 50 रुपये का ये काम का, हाँ बड़े बड़े इसलिए रख रखा भाई, खुला रहेगा, आराम से करो जाओ जो आए। ये देखो हाँ ये कर भी दिया दूसरे की। अभी लेने चलते हैं इसका सिलेंडर, जो आगे का पिस्टन वाला सीन है वो लेने चलते हैं, फिर वो पैक कराते हैं। ये देखो भाई काम करा दिया इसका, देखो पूरे वाल, ये देखो इसका, देखो करा दिया है, और ठीक है भाई ये पिस्टन है, क्या गया इसके अंदर, खुल जाओ इसे, इसे। देखो ये रहा, और इसके अंदर पता नहीं क्या क्या सामान रखा है इसी का, ये देखो, ये देखो इस पे लिखा हुआ 750 रुपये MRP, पर ये पता 600 रुपये के समथिंग मिला, क्योंकि इसके साथ में ये प्लस ये वॉल और एक और चीज़ कुछ थी, तीन आइटम 680 रुपये के थे ये, अगर को ज़्यादातर दुकानदार MRP से बेचते हैं, पर ये कम का पड़ता है, और ये बड़े कुछ कॉस्टली पड़ते हैं, ये 84 रुपये लिखा हुआ, ये 80 का मिला, ये 10 रुपये की भाई इनका। देखो मेरी भाई का भी यही है, कोई नई गाड़ी आती है उसमें लग जाते हैं पहले, उससे कर देते हैं, जैसे ये आई है वो आई है ये स्कूटी है, इनको पहले करने लग जाते हैं, जो भाई मेन काम जिसका है सुबह से है उसका कर नहीं रहे। अबे लापरवाही क्यों कर रहे हो तुम भाई, लापरवाही क्या कर रहे यार, काम कर रहे अब है। देख अभी देख ना तो इसके उठाला तुमने ब्रेक कर भी दिया, ब्रेक से दो गाड़ी कर देना तो तुमने ब्रेक से डाला ये भाई। ये देखो अभी तक इतना ही पैक हुआ है, यहीं छोड़ रखा बहुत, लगभग 4 घंटे हो गए, 4-5 घंटे मुझे यहीं बैठ के खड़ी है गाड़ी अभी तक, अभी पिछले ब्रक्स भी डलने हैं, अगले भी डलने हैं, बहुत सारा काम है भाई, फुल लापरवाही करते हैं ये लोग भाई। जो मकैनिक होते हैं ना बहुत हरामी होते हैं, ये पता 20 रुपये के काम करो जाएंगे, 20 रुपये के 50 रुपये के, जो मेन काम जिसका रुका हुआ है वो नहीं करेंगे, नहीं पहले इसका कि अच्छा अच्छा भी कर रहे हैं, मतलब कि पता है बंदा तो फंसा पड़ा है, शाम तक बैठा रहेगा करते रहो काम, बाकी दूसरों के छोटा काम, अरे भैया इसका टायर वो सही कर दो, इसकी चैन टाइट कर दो, छोटे छोटे काम पकड़ो जाते हैं भाई, इनकी आदत कभी नहीं सुधरेगी भाई मकैनिकों की, ऐसे ही करते हैं हमेशा, कभी आएंगे ना जिसका बड़ा काम है ना उसको तो आराम से बिठा देंगे भाई साहब, तुम आराम से बैठो तुम्हारा कर रहे हैं धीरे धीरे, बाकी छुट मुट के काम करो जाते हैं। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, टाइम भी भाई काफ़ी हो गया, सुबह 10 बजे से आया था मैं, वो 2:30 बज गए, लगभग 4.5 घंटे हो गए मुझे बताओ। ये भाई देखो पैक होने लगा, ये देखो पूरा अब पैक हो रहा है भाई, अब आया नंबर मेरा, ये देखो किस तरीके से इसको फिट कर रहे हैं, ये देखो पूरा पैक होने दो फिर मैं आगे दिखाता हूँ इसको, देखो ये देखो यहाँ से पैक हो रहा है फाइनल, ये देखो पूरा इधर के देख रहे हो पूरे काले वो रखे थे प्लग वाला सिस्टम है, ये देखो यहाँ से पैक हो रहा है भाई, ये पूरा बिल्कुल एकदम काला हुआ पड़ा था जब हमने इसको खोला था, और अभी पैक हो रहा है फाइनली, और वहाँ पर क्या लगेगा देखो भाई, पैक हो गई है पूरी बाइक इधर से एक तरीके से, देखो आवाज़ देखो कितनी स्मूथ निकल रही है अभी इसकी, और हिल कितनी रही है भाई, ये वाइब्रेशन बहुत तगड़ा आ रहा है इसमें, देख रहे हो जैसे भूकंप आ गया हो। ये बाइक में पंचर लगाने के लिए मैंने रख रखे हैं अपने साथ में, कभी भी पंचर हो दिक्कत अलग, खुद करता हूँ भाई, पैसे बचाता हूँ अपने पंचर के, पैसे बचाता हूँ भाई, 50 रुपये पंचर में कौन देगा, 2 रुपये का पंचर आता खुद लगा लेता हूँ भाई, देखो इधर से पूरा इधर किधर निशान निशान से हो गया सर, हिल कितनी रही है भाई, ये देखो पैक हो गई है, अब रहेगा भाई बाकी का काम, ये रखा इधर सीट कवर वगैरह और ब्रक्स वगैरह, ये अब ये लगाने भाई, भाई बाइक का काम तो हो गया, इधर मैं बनवाने आ गया हूँ सीट, देखो मेरी पूरी सीट को
ये उखाड़ दिया, मतलब कि स्मूथ एकदम सारा कुछ भाई। इतना पैसा कमाया 40,000 रुपये, सब बाइक करना है, बाइक में ही खर्च करना है भाई, बाइक से कमाया बाइक में खर्च करना है। तो भाई ये देखो बाइक की सीट बन रही है अभी, जैसे बन जाएगी इसको लगाते फिर बाइक का आपको लुक दिखाते हैं। भाई टाइम देखो 5:19 हो गए और अब बाइक जाके रेडी हुई है, 7 घंटे ले लिए इसने दूसरों की बाइक कर करके ना भाई। इस बंदे की दुकान में मत आना भाई कोई भी, देखो ये बहुत टाइम खाता है। देखो भाई अब करा दिया, सीट कवर लगवा दिया एकदम बिल्कुल, अब यहाँ से फट रही थी वो, अब यहाँ से देखो मज़ा आएगा, यहीं चाहिए ना सारा मज़ा यहाँ भाई अब आएगा बिल्कुल मज़ा। और ये पहले जो मेरा चार्जर था ये वाला डायरेक्ट था, अब मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको चाबी से कनेक्ट कर दिया, देख लो चाबी बंद करेंगे तो चार्जर भी बंद। वैसे पहले डायरेक्ट बैटरी से लगा रखा था, अब मैंने इसके कनेक्शन कर दिए अंदर प्लग से, तो चाबी ऑन होगी तो चार्जर चलेगा, बंद होगा तो चार्जर भी बंद हो जाएगा। तो ये था भाई, अभी ये मीटर रह गया, बोला तुम्हारा टैंक तो फुल है तुम खाली करके लाओ तब जाके तुम्हारा मीटर का, इस वाले मीटर का करेंगे। मीटर सही है, इसके अंदर जो स्विच होता है वो शायद ख़राब हो गया, तो जब टंकी खाली होगी तब जाके इसका काम होगा। और ये देखो बाकी अब इसको घर जाके आपको इसका टोटल खर्चा मैं आपको बताता हूँ। बाइक का काम करा के मैं आ चुका हूँ घर, अब बाइक हो गई है वैसी की नहीं, जैसी की वैसी, वैसी की जैसी बाइक। अरे कहना क्या चाहते हो, बाइक हो गई है भाई, बाइक एकदम ओके हो गई है, पिकअप विकअप एकदम मस्त हो गया, होगा भी कैसे नहीं भाई, पैसे लग गए 2,243 रुपए मेरे लग गए आज। क्या क्या काम कराया मैंने भाई, अगले पिछले ब्रेक शू डलाए, क्लच प्लेट डलाई और हाफ इंजन का काम हुआ, पिस्टन वगैरह का। बाइक की बैटरी खराब हो गई थी जिससे सेल्फ काम नहीं कर रहा था, किक से काम करना पड़ रहा था, तो भाई बैटरी डलवा दी है एमरोन की भाई साहब एकदम ओरिजिनल वाली, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम बाइक में हुए हैं। तो टोटल मिलाकर भाई साहब बाइक की सीट बनवा दी है एकदम मक्खन माफी, मतलब कि अब बैठ कर चलाने में थोड़ा मजा आएगा क्योंकि हालत नीचे की खराब हो गई थी बाइक की सीट की वजह से। बाकी यार कि बाइक को एकदम करा दिया ओके, अब बाइक पे एक काम और रह गया, बाइक पे लैमिनेशन वगैरह करानी है थोड़ी सी, मतलब कि वो पुरानी हो गई है तो बाइक का लुक थोड़ा खराब लग रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी करा दूंगा और उस पर भी वीडियो बना दूंगा भाई क्या क्या करा रहा हूँ मैं और कैसी बाइक अब दिखने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी भाई आपके पास बाइक है तो आप अपनी बाइक का 2000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज करा दिया करो और 4000 किलोमीटर चल जाने पर सर्विस करा दिया करो टाइम टू टाइम। बाकी भाई मैं तो अपनी बाइक का ख्याल तो रखता ही हूँ, बाकी भाई कहाँ तक ख्याल रखा जाएगा, जब बाइक एक एक दिन में 200-200 किलोमीटर चलाएंगे तो भाई बाइक खत्म ही हो जाती है। और एक बात हाँ जो मुझे मैकेनिक ने बताई बहुत पॉइंट की, कि मैंने बोला भाई आपके पास में कराते हैं मतलब किसी लोकल मैकेनिक से कराते हैं तो इंजन का काम कम में होता है, अगर वही सर्विस सेंटर पे कराते हैं तो 12,000-13,000 रुपए लग जाते हैं, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने मुझे बताया कि आफ्ताब भाई बात ऐसे है, हम क्या करते हैं पिस्टन डाल देते हैं, सिलेंडर किट को रिपेयर करवा देते हैं तो खर्चा कम आता है। अगर वही तुम सर्विस सेंटर में बाइक का इंजन का काम कराओगे तो अगर वो छोटी सी भी कमी है ना उसको रिपेयर नहीं करते, वो डायरेक्ट चेंज कर देते, मतलब सिलेंडर किट को चेंज कर देंगे, जो चीज उन्हें लगेगी ना क्रैंक है क्रैंक को चेंज कर देंगे, नया डालते हैं वो सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि सर्विस सेंटर में पैसे ज्यादा लगते, भाई सर्विस सेंटर में सारी चीजें नई डाल देते हैं मतलब कि एक तरीके से, इसलिए वो बहुत महंगा पड़ जाता है एक बंदे को कि इंजन का काम भाई सर्विस सेंटर में करा लिया तो फटके 4 हो गई। तो ये सीन है मतलब कि वहां पर ऐसा नहीं होता, वो रिपेयर नहीं करते किसी भी आइटम को, डायरेक्ट न्यू आइटम डाल देते हैं उसमें, बिल्कुल वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का रिस्क आए, रिपेयर नहीं करते डायरेक्ट नया। तो ये चीज थी, लोकल में सर्विस कराने पर और सर्विस सेंटर में कराने पर ये फर्क आता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, और आपकी बाइक अभी तक कितने किलोमीटर चल गई है वो भी बता देना भाई, और कैसे आप अपनी बाइक का ख्याल रख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।